नमस्कार, मैं शिवानी बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट परीक्षा की तर्ज पर बेट परीक्षा का होगा आयोजन। बिहार के 5 एनएच परियोजनाओं का टेंडर हुआ जारी। इस साल मखाना किसानों को हुआ अच्छा मुनाफा। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन हुए शुरू। अब क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होगा तंबाकू जैसे उत्पादों का प्रचार। अब चलिए बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नेट परीक्षा की तर्ज पर बेट परीक्षा का होगा आयोजन। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल बिहार में यूजीसी नेट की तर्ज पर राज्य स्तर की पात्रता परीक्षा यानी बेट परीक्षा का आयोजन होगा। यह परीक्षा बिहार के यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए ली जाएगी। बेट परीक्षा का सिलेबस तैयार करने का निर्देश बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विभाग के अधिकारियों को दिया है। नेट की तर्ज पर बेट परीक्षा करवाने का फैसला पिछले साल ही लिया गया है। हालांकि अब जाकर इस फैसले को आगे बढ़ाने की तैयारी शुरू हुई है। बेट परीक्षा के जरिए ही असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी और प्री पीएचडी कोर्स में एडमिशन मिल सकेगा। 65% आरक्षण मामले को लेकर पंचायतों में 6,570 लेखपाल की नियुक्ति का टला मामला। बिहार में 6,570 लेखपाल आईटी सहायक की बहाली के लिए जुलाई में ही परीक्षा होनी थी, लेकिन अदालत की तरफ से आरक्षण सीमा 65% करने के मामले पर रोक लगाने के बाद इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। इन सभी पदों पर पंचायती राज विभाग ने अक्टूबर तक सभी पंचायतों में बहाली का लक्ष्य रखा था ताकि बिहार पंचायतों का कामकाज तेजी से निपटाया जा सके, लेकिन अब नियुक्ति प्रक्रिया आरक्षण मामले को लेकर अटक चुकी है। इस वजह से लेखपाल सह आईटी सहायक की कमी से पंचायतों के कई काम भी प्रभावित हो रहे हैं। बिहार के 61 दंपति दिल्ली में 15 अगस्त समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में होंगे शामिल। हर साल स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दिल्ली के लाल किला पर प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। इस दौरान मेहमान के रूप में देश विदेश से कई लोग समारोह में शिरकत करते पहुंचते हैं। इस बार भी 15 अगस्त के मौके पर देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराने वाले हैं। इस अवसर पर बिहार के 61 दंपतियों को विशेष मेहमान के तौर पर झंडोत्तोलन समारोह में आने का निमंत्रण मिला है। आपको बता दें कि देश में 500 आकांक्षी प्रखंड हैं, इनमें से बिहार के 61 प्रखंड शामिल हैं। बिहार के इन्हीं 61 प्रखंडों से 61 दंपतियों का चयन हुआ है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नीति आयोग की योजना का लाभ लिया और उसका सही इस्तेमाल किया। ये सभी 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचेंगे और 16 अगस्त तक विशेष मेहमान के तौर पर दिल्ली में रहेंगे। इस दौरान इनकी यात्रा, इनके स्वागत, परिवहन, भोजन और आवास सभी का खर्चा नीति आयोग उठाएगा। चयनित हुए इन सभी दंपतियों की सूची योजना एवं विकास विभाग द्वारा नीति आयोग को भेज दी गई है। सीबीआई ने 13 आरोपितों के खिलाफ दायर किया पहला आरोप पत्र। नीट पेपर लीक मामले में 13 आरोपितों के खिलाफ सीबीआई ने पहला आरोप पत्र दायर कर दिया है। यह आरोप पत्र पटना स्थित सीबीआई के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में दायर हुआ है, जिसमें नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादवेंदु, आशुतोष कुमार नाम के दो आरोपित, मनीष प्रकाश, रोशन कुमार, अनुराग यादव, अभिषेक कुमार, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार, शिवनंद कुमार और आयुष राज का नाम शामिल है। इन सभी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120B, 201, 409, 380, 411, 420 और 109 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। इस साल मखाना किसानों को हुआ अच्छा मुनाफा। इस साल मखाना उत्पादकों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल प्रदेश में मखाना उत्पादन के साथ ही इसकी मांग भी दोगुनी हुई है। कृषि विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक 5 साल पहले 15,000 हेक्टेयर में 1,20,000
मैट्रिक टन मखाना का उत्पादन होता था। इस साल 35,224 हेक्टेयर में 2,99,404 मैट्रिक टन मखाने का उत्पादन हुआ है। किसानों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मखाना की अच्छी मांग थी, इसलिए उन्होंने लीज पर तालाब और खेत लेकर 20-30% अधिक क्षेत्र में मखाना लगाया था। इसका फायदा उन्हें उत्पादन के तौर पर भी मिला। इग्नू ने बीएड अभ्यर्थियों के लिए बढ़ाई सीटों की संख्या। इग्नू ने बीएड के अभ्यर्थियों के लिए सीटों की संख्या में 4 गुना से अधिक वृद्धि कर दी है, जिससे बीएड अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। क्षेत्रीय निदेशक अभिलाष नायक ने जानकारी दी है कि बिहार में इग्नू के सेंटरों में 110 सीटों पर नामांकन होता था। इस सत्र से इसकी संख्या 495 हो गई है। आगे क्षेत्रीय निदेशक ने बताया कि बीएड कोर्स में नामांकन के लिए काफी संख्या में आवेदन आते हैं, जिसे देखते हुए सीटें बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। सभी केंद्रों में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मानक के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध हैं। आपको बता दें कि इग्नू में एडमिशन की लास्ट डेट 31 जुलाई थी, जिसे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया है। बिहार के 5 NH परियोजनाओं का टेंडर हुआ जारी। बिहार के 5 NH परियोजनाओं का टेंडर NHAI द्वारा जारी कर दिया गया है, जिससे प्रदेश में करीब 165 किलोमीटर फोरलेन सड़क का निर्माण किया जाएगा। जारी हुए टेंडर में माणिकपुर, साहिबगंज अरे राज बहादुरगंज, किशनगंज, पटना आरा, सासाराम के पैकेज 2, गढ़हनी पावड़ एवं सदी सोपू असनी प्रखंड और रामनगर कच्ची दरगाह की निविदा शामिल है। इस सड़क निर्माण में करीब 4,615 करोड़ रुपए खर्च आ सकता है। इसकी जानकारी उप मुख्यमंत्री सब पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा की तरफ से दी गई है। उन्होंने कहा कि बजट में घोषित पैकेज के अतिरिक्त 6,000 करोड़ की परियोजना की बिहार को सौगात मिली है। इसके लिए हम केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। ठनका गिरने से प्रदेश में 12 लोगों की मौत। बिहार में ठनका के गिरने से प्रदेश में बीते दिन करीब 12 लोगों की मौत हुई है, जिसमें गया के 6, पटना से 3, नवादा, सासाराम और औरंगाबाद से 1-1 लोग शामिल है जिनकी ठनका गिरने से मौत हो गई। वहीं मंगलवार और बुधवार को भी प्रदेश के अलग अलग जिलों से करीब 11 लोग ठनका के चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। गया में जिन 6 लोगों पर ठनका गिरा, वे सभी खेतों में काम कर रहे थे। अचानक आई तेज बारिश से बचने के लिए सभी नजदीक के एस्बेस्टर के छत पर वाले कमरे में चले गए और आकाशीय बिजली इसी छत पर गिर गई। अब इनका पोस्टमार्टम कर मृतकों के आश्रितों को मुआवजा दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में समारोह की तैयारी हुई शुरू। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में झंडोत्तोलन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब आम लोगों को भी गांधी मैदान में प्रवेश नहीं मिलेगा। सीएम नीतीश यहां 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे। पदाधिकारियों और विभागों को जिला अधिकारी द्वारा स्वतंत्रता दिवस समारोह 2024 की तैयारी का दायित्व सौंपा गया है। इस तैयारी के तहत अनुमोदित नक्शा के अनुसार बैरिकेडिंग की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। बैरिकेडिंग का खास ख्याल रखा जाएगा। परेड निरीक्षण और झांकियों के रास्ते प्रवेश द्वारों में आवश्यकता अनुसार ब्रिक पिचिंग की जाएगी। साथ ही बैठने की व्यवस्था पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इस अवसर पर परेड के लिए रिहर्सल किए जा रहे हैं, जो 13 अगस्त तक चलेंगे। इसमें 19 टुकड़ी शामिल होगी। पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आवेदन हुए शुरू। CBCS स्नातक प्रथम सेमेस्टर 2024-28 में स्पोर्ट राउंड में पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय ने एडमिशन के लिए नोटिस जारी किया था। अब दूसरे मेरिट स्पोर्ट राउंड की सूची जारी कर दी गई है। बता दें आपको, छात्र आज से इसके जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 5 अगस्त आवेदन की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। कॉलेज आरक्षण नियम का पालन करते हुए मेरिट लिस्ट 6 अगस्त को जारी होगा। मेधा सूची के आधार पर महाविद्यालय की तरफ से नामांकन प्रक्रिया 6-8 अगस्त के बीच शुरू होगी।
नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अंतिम फैसला। नीट पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फाइनल फैसला सुनाते हुए कहा है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि यह एक सिस्टमैटिक फेलियर नहीं है। पेपर लीक का असर हजारीबाग और पटना तक ही सीमित है। आगे अदालत ने कहा कि हमने ढांचागत खामियों की तरफ से ध्यान दिया है। एग्जाम देने वाले कैंडिडेट की पहचान सुनिश्चित करना, पेपर लीक को रोकने के लिए स्टोरेज के लिए एसओपी तैयार करना सरकार और एनटीए की जिम्मेदारी है। हमारा निष्कर्ष है कि पेपर लीक सिस्टमैटिक नहीं है, पेपर लीक व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है। एनटीए को आगे के लिए ध्यान रखना चाहिए, इस तरह की लापरवाही से बचना चाहिए। हम नीट की दोबारा परीक्षा की मांग को खारिज कर रहे हैं। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत बिहार के 4 छात्रों का हुआ चयन। बिहार से 4 छात्रों का चयन नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत किया गया है। ये सभी छात्र 9वीं से 11वीं तक के स्कूल ऑफ क्रिएटिव लर्निंग के हैं। इसमें 11वीं के ऋषु कुमार, 9वीं से रवि कुमार, 10वीं से प्रवीण कुमार और 9वीं के ही राकेश कुमार का नाम शामिल है। चयनित हुए इन बच्चों को नीति आयोग 3 महीने का इंटर्नशिप करवाएगा। आपको बता दें कि 2,00,000 छात्रों ने देश भर में इस इनोवेशन मिशन के लिए आवेदन किया है था, जिसमें 11,751 स्कूलों के 53,000 बच्चों का चयन हुआ। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में हुई वृद्धि। नए महीने की शुरुआत के साथ एलपीजी गैस सिलेंडर की नई कीमत भी जारी की जा चुकी है। इस नए कीमत के तहत कमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम में 8 रुपए की वृद्धि हुई है। ऐसे में कमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत अब 1923.50 रुपए हो गए हैं। वहीं 14.2 किलोग्राम वजन वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसकी कीमत 901 रुपए ही है। व्यावसायिक गैस सिलेंडर की कीमत बढ़ने का सबसे ज्यादा असर होटल रेस्टोरेंट पर पड़ेगा। इसकी कीमत में इजाफा होने से बाहर खाना थोड़ा महंगा हो सकता है। शिक्षक बहाली फेज 3 में आरक्षण का लागू रहेगा पुराना कोटा। आरक्षण का पुराना कोटा ही बिहार लोक सेवा आयोग की शिक्षक बहाली परीक्षा फेज 3 में लागू रहेगा। मालूम हो कि सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा आरक्षण के दायरे को 50% से बढ़ाकर 65% किए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी किए हैं। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्रा ने पत्र के जरिए कहा है कि 50% आरक्षण के अनुसार ही बीपीएससी शिक्षक बहाली फेज 3 में नियुक्ति किए जाएं। बैकलॉग रिक्तियों की गणना करके 50% आरक्षण के साथ नए सिरे से रोस्टर तैयार किया जाए। अब क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होगा तंबाकू जैसे उत्पादों का प्रचार। देश में क्रिकेट स्टेडियम में मैच के दौरान कई बार हमने सरोगेट एडवर्टाइजमेंट देखा होगा। ये एडवर्टाइजिंग भले ही तंबाकू उत्पादों को नहीं दिखाते, लेकिन इनका प्रचार अन्य उत्पादों के जरिए करते हैं। ये वैसे उत्पाद होते हैं जिनका कनेक्शन तंबाकू उत्पादों से होता है, लेकिन अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले को लेकर बीसीसीआई से बड़ी अपील की है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत के क्रिकेट स्टेडियमों में अब तंबाकू शराब को बढ़ावा देने वाले छपे विज्ञापन को खत्म किया जाएगा, जिसके लिए बीसीसीआई को कदम उठाना होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय सेवा के महानिदेशक डॉक्टर अतुल गोयल ने कहा है कि बीसीसीआई को भारत के खिलाड़ियों और क्रिकेट प्रशंसकों को ध्यान में रखते हुए क्रिकेट खेल को बढ़ावा देने के लिए नीतियां, रूपरेखा, दिशा निर्देश बनाने का काम सौंपा गया है और आईपीएल जैसे क्रिकेट आयोजनों के दौरान कुछ जाने माने क्रिकेटरों और मशहूर अभिनेताओं को तंबाकू या शराब से जुड़े ऐड करते हुए देखना निराशाजनक है।
इस तरह के तंबाकू आदि के छपे प्रचार पर रोक लगाने की मांग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुतों लोगों ने हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मुन्ना प्रसाद, रवि कुमार राम, काजल कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, अजीत कुमार, राजकिशोर महतो, राकेश मिश्रा, सादुल्ला पालवी, राम बाबूदास, नौशाद रजा, वीरेंद्र सिंह, वेद प्रकाश सिंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 65% आरक्षण पर रोक लगा दी गई है, आरक्षण के मामले पर आपकी क्या राय है, आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर जरूर दें। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के लिए बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज पर देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।